नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल बजरंगी पे। तो चलिए आज मैं आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है डायोड, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए, मैंने ये दिया हुआ है पी और एन, दो जो इसमें रीजन होते हैं पी और एन, होल्स, और इसमें मैं जो मेजोरिटी होती है होल्स होती है, इसमें जो मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। इसके एक जो टर्मिनल होता है उसको एनोड, और दूसरा टर्मिनल जो एन साइड होता है उसको कैथेड बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन है वो देख लीजिए, एनोड इधर दिया हुआ है, इसको सिंबल के रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड इसको बोलते हैं। तो इस ये वर्क कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो जो बायसिंग मोड में होता है, एक फॉरवर्ड बायस में तो होता है, रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊँ। तो फॉरवर्ड बायस में यानी जब हम इसको पी साइड पॉजिटिव और एन साइड नेगेटिव देते हैं तो फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी ये इस फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। इसमें करंट फ्लो होता है मैक्सिमम। तो इसमें देखिए, इधर पी साइड मैंने पॉजिटिव और एन साइड नेगेटिव दिया हुआ है, और एक करंट लिमिट के लिए रजिस्टर रखा हुआ है सिंबॉलिक, जो सिंबल के रूप में आप सर्किट में जैसे आप बनाते हैं उस प्रकार देखिए, रजिस्टर है, डायोड है, और यहाँ फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। वो वर्क कैसे करता है, ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, इसका जो ऑपरेशन है वो मैं आपको बता दूँ कैसे होता है। तो इधर देखिए, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव होल साइड जो पी साइड है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, पी साइड और एन साइड है जो नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो होता क्या है इसमें, तो इसमें पहले क्या है आपको मैं बता दूं कि अगर इधर समझे कि होल्स है, इसमें होल्स है, तो इधर मैं पॉजिटिव यहाँ पे दूं तो ये होल्स यहाँ से रिपल होंगे, अपाकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से होल्स यहाँ से जो होल्स दूर भागेंगे यहाँ से। इसी प्रकार इसमें यही वर्क होता है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिया तो इसमें जो होल्स होंगे ये इधर आएंगे, और इसमें नेगेटिव दिया यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड हो जाएंगे और होल्स जो होगा इस साइड, यानी जंक्शन यहाँ से जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो टूट जाएगा और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो कन्वेंशनल करंट जो जैसे होता है कि समझिए कि जिस प्रकार कन्वेंशनल करंट जो उसकी जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर मैं बता दूं, अगर जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसके विपरीत साइड करंट फ्लो होता है, यानी इधर इलेक्ट्रॉन जो बैरियर है टूट जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है तो जो करंट होगा इस साइड फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड करंट फ्लो होगा, इसको फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। तो इस प्रकार मैं दूसरा आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि रेक्टिफायर की तरह भी यूज होता है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में कैसे यूज होता है मैं आपको बता दूं। देखिए रिवर्स बायस में कैसे होता है, तो सीधा फॉरवर्ड बायस जैसे था उसका उल्टा, जहाँ पे हम पॉजिटिव देते थे वहाँ पे नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव देते थे वहाँ पे पॉजिटिव, सिम्बोलिक है। यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ पी साइड और यहाँ पे एन साइड पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसमें एक वर्क कैसे करेगा, तो इधर देखिए, ये अगर यहाँ पे हमने नेगेटिव दिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव साइड, इधर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से रिपल होगा और ये जंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देगा, यहाँ जंक्शन पे आके जो स्टेबलाइज होगा, और यहाँ पे भी जो होल्स होगा वो यहाँ पे जंक्शन पे आके स्टेबलाइज होगा। यार स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद एक क्या होता है कि इसमें कुछ जो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर फ्लो होते हैं और कुछ होल्स होता है इधर आएगा, इधर जो अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव होल्स को और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन ये कैसे होता है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन क्रॉस करते हैं, जिससे जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसको रिवर्स करंट भी कहते हैं। तो ये रिवर्स बायस में रिवर्स करंट बहुत कम होता है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिए उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक करें।